उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ, उठो कि तुम जहां हो वहां से उठो, जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो गए हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां, एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। देखो बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां, एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारे मुंह चढ़ाते तुम्हारी ही बस्ती की दुकानों पर, कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीजें तुम्हारी पहुंच से दूर होती हुई दिखते हैं। इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी, इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी, क्या अब भी विश्वास करने लायक बचा है यह समय? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? समय के द्वारा लगातार कुतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई हैं? जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं है। विडंबना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज्यादा कैसे करती हो विश्वास। उठो बेटिया मुर्मू, ऐसा तो नहीं है साहब कोई ईंट फेंके और आप चुप रहें, ऐसा तो नहीं है साहब कोई ईंट फेंके और आप चुप रहें, ऐसा तो नहीं है साहब कोई आपके जमीर को चुनौती दे और आप कुछ न कहें, ऐसा तो नहीं है साहब कोई दखलंदाजी करे और आप उसकी आरती उतारें, ऐसा तो नहीं है साहब धुआं उठे और आग न रहे, ऐसा तो नहीं है ना साहब? कुछ तो है ज़रूर साहब, कुछ तो है ज़रूर साहब जो वातानुकूलित कमरे में रहते हुए आप महसूसते नहीं, कुछ तो है जरूर साहब जो रोबड़ा सोरेन पिछले कई सालों से नाम बदल कर फिरता है, कुछ तो है जरूर साहब जो आदिम जनों की आदिम वृत्ति को जगाता है, कुछ तो है जरूर साहब आप ही के गिरेबान में, वरना कोई गढ़ यूं ही लाल नहीं होता, और आप हैं कि बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि बदमनी के जिम्मेवार रोबड़ा सोरेन को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अब करे उनके, चलो सुधार कर उनके सभी दम करे उनके, चलो सुधार कर उनके सभी दम करे उनके। अफसर उनके, जज और टेलर तक उनके सभी अफसर उनके, सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, चलो सुधार कर उनके सभी दफ्तर उनके। अखबार छापे ताने हमें अपना बनाने के बहाने, चुप कराने के नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर उनके, नेता
और गुंडे तक उनके सभी अफसर उनके वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके चलो सुधार कर उनके सभी दफ्तर उनके एक दिन ऐसा आएगा फिर काम ना आएगा धरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा ये मोर्चा बदल जाएगा एक दिन ऐसा आएगा फिर काम ना आएगा धरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा ये ढांचा बदल जाएगा और ये जल्दी ही होगा ये ढांचा बदल जाएगा 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 ये ढांचा बदल जाएगा। हमारे बीच बस्तर में बस्तर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। यही चीज बताने के लिए आप सबके सामने मैं आज खड़ा हूँ और अपनी भाषा में अपनी तरीके से टूटी फूटी शब्दों में आप सभी के सामने समझाने का कोशिश करूंगा कि बस्तर में असलियत क्या है और बाहर में वहाँ की राजनीति क्या चल रही है ये सब हम आज आपके सामने रूबरू करवाने का मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों आज बस्तर की ऐसी स्थिति हो गई कि हम अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ भी 10 लोग मिलके नहीं जा सकते। क्यों? जब 2005-4-5 में सलवा जुड़ूम का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय से ऐसी वहाँ स्थिति हो गई कि हर कोई बस्तर के आदिवासी नक्सलाइट हैं। तो अपनी जो पारंपरिक रीति रिवाज के हिसाब में कोई पर्व कोई त्योहार भी नहीं मना सकते एक झूठ भी नहीं हो सकते अपने गांव के अंदर। यदि एकजुट हुए कई 100-200 लोग जमा हुए तो सीधी सी बात है कि वहाँ नक्सलाइट आके मीटिंग किया जा रहा है। पंडुम भी हम करते हैं अपनी प्राकृतिक पूजा के चलते तो अचानक कहीं पुलिस गश्त के चलते उस बीच में आ जाता है तो सीधा सीधा ये नक्सलियों का मीटिंग करके सीधा गोली मार दिया जाता पूछने अपनी बात रखने का भी चांस नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थिति से हम गुजरते हुए आज तक का जो बचे हैं जो पहले थे गांव के अंदर जंगल के बीच में जंगल के आधार से आधारित से जीते थे उस बीच में हमारे जो बड़े जवान लोग थे उनको तो आधा से ज्यादा पूरा नक्सली के नाम से गोली से उड़ाया गया है। सिर्फ गोमपाड़ का ही नहीं पूरे बस्तर में वही स्थिति है। ऐसे ऐसे जगह में नन सवार हुआ है कि वहाँ के लोगों को कोई सहयोग करने वाले नहीं मिले मदद करने वाले नहीं मिले केस लड़ने के लिए। उस परिस्थिति से उन लोग अपनी तकलीफों को अपनी दर्दों को वहीं छुपा के बैठे हैं। आज तक भी उन लोग इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो आज हिमांशु सर जी आज हिमांशु सर वहाँ कई वर्ष रहते रहते वहाँ के आदिवासियों के साथ जो जुल्म हुआ करता था उसको अपनी वहीं पे स्थानीय जगह में जाके जीरो ग्राउंड में जाके जानने लगे तो उनको भी लगा कि वाकई में आदिवासियों के साथ गलत कर रहे हैं करके वो केस को सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए दायर के लिए डाले हैं। तो उनके ऊपर अभी झूठा केस लगा करके 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोकी है
इसलिए हम आए कि हमारे बीच में जो कुछ हुआ वो तो दरअसल गलती किया पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम इंसाफ के लिए वहाँ जांच के लिए डाले हैं, तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर क्यों 5 लाख रुपए जुर्माना दिया ठोक दिया गया। तो हम हिमांशु सर के समर्थन में खड़े हैं, हिमांशु सर के साथ खड़े हैं, इसलिए आए। साथियों इतना ही नहीं, बस्तर में जितने भी अभी वहाँ पे ऐसी मारकाट चलते चलते आ रहा था, तो हम बीच में ऐसी कुछ पढ़े लिखे साथियों के साथ एक संगठन की तैयारी किए, संगठन का नाम दिए हैं मूलवासी बचाओ मंच। तो कई जगह मूलवासी बचाओ मंच के संगठन वाले लोग 16-17 जगह धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उनके बीच उनकी समस्या वहाँ की